हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एक यू द ट्रैवलर विद अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो दुबई वीज़ा पे है कि आप दुबई का ट्रांजिट वीज़ा कैसे फ्री हासिल कर सकते हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नए आने वाली न्यू अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। सो दुबई का ट्रांजिट वीज़ा हासिल करना नहायत आसान है, तो इसके लिए जस्ट आपको टिकट की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी जस्ट बुकिंग हो तो फिर भी जो है ना आप इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको बड़ी इजीली इसका वीज़ा मिल सकता है। तो अगर आप खुद अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप अगर किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू टिकट परचेज करते हैं तो वो भी आपके बिहेव पे आपको वीज़ा अप्लाई करके दे सकता है। तो अगर आप किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं वाया दुबई, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मलेशिया जा रहे हैं, तुर्की जा रहे हैं, इसके अलावा अजरबैजान जा रहे हैं, तो आप इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 48 आवर्स का भी मिलता है और 96 आवर का भी मिलता है। जो 48 आवर्स का है वो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो 96 आवर का है वो उस पर जो है ना वो 50 दिरहम आपसे चार्ज करेंगे। तो ये जो 96 और 48 आवर का वीज़ा ये एक्सटेंडेबल नहीं है, आपको विद इन टाइम जो है ना वो दुबई छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप इसको खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इतिहाद की वेबसाइट से अप्लाई कर लें या एमरेट्स की वेबसाइट से अप्लाई कर लें। उसमें जस्ट जो है ना आपने उनको अराइवल डेट देनी होती है कि किस डेट को आप जो है ना दुबई एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं और कौन से टर्मिनल पे पहुंच रहे हैं, आपका फ़्लाइट नंबर क्या है। तो आप जो है ना बुकिंग टिकट की करवा के भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और ये तकरीबन सेम डे में भी आ जाता है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेट हो तो विद इन 2 डेज़ जो है ना ये आपको रिसीव हो जाएगा आपकी ईमेल में। तो इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 मंथ होती है। अगर आप दोनों दफ़ा रुकना चाह रहे हैं दुबई, आती दफ़ा भी और जाती दफ़ा भी, तो आप जो है ना दोनों दफ़ा रुक सकते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इसका, और आपको मिल भी जाएगा। ये है कि आपने जाती दफ़ा भी आप जब दुबई में रुकेंगे, इसके बाद जब आप एग्ज़िट करेंगे दुबई को छोड़ेंगे, तो जैसे ही आप अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे तो आप वहाँ पर जाके इसका वीज़ा अगेन अप्लाई कर सकते हैं दुबई का। तो वो भी आपको सेम डे या नेक्स्ट डे जो है ना मिल जाएगा, वापसी पे फिर दुबई रुक सकते हैं। इसके अलावा मजीद अगर आपका क्वेश्चन क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। इसके अलावा मैंने सोशल मीडिया के लिंक्स भी दी हैं, वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Yeah.